ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है। जीवन धारा कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। सराय में भी कोई जगह ना थी तेरे लिए ऐ मेरे महबूब। कम फरमा दिल में आशा यीशु, मेरे दिल में हो मस्कन गुजी, मेरे दिल का हो शाह है यीशु तू, मेरे दिल में हो तख्तनशी। शाया निशान पाक फरिश्ता गान गाते थे हम्द के गान क्या खूब, पर गरीबी में रासलीबी में पैदा हुआ तू मेरे महबूब। कम फरमा दिल में आशा यीशु, मेरे दिल में हो मस्कन गुजी, मेरे दिल का हो शाह है यीशु तू, मेरे दिल में हो तख्तनशी। दान के चरंद पाते हैं जा आराम मरगूब, तेरा बिस्तर जमीन था ऐशा आलमी यीशु बाप का अजीज महबूब। कम फरमा दिल में आशा यीशु, मेरे दिल में हो मस्कन गुजी, मेरे दिल का हो शाह यीशु तू, मेरे दिल में होता तख्तनशी। जाए जहां गुर्गुना शैतान हो मगलूब, कोड़ा ठट्टा मार क्रूसो ताज खादार, इवज हुआ इस प्यार का महबूब। कम फरमा दिल में आशा यीशु, मेरे दिल में हो मस्कन गुजी, मेरे दिल का हो शाह यीशु तो, मेरे दिल में होता तख्तनशी।
शान के साथ, बाप के दहने हाथ बैठ के आएगा तो मसलूब। तेरे प्यार का फरमान सुन के शादों उस्तान, दाखिल हो घर में बाप के महबूब। तब खुश होगी शादमान यीशु, सुन के प्यार का फरमान मेरी जान। जब तू बख्शेगा हमको यीशु, तब तो ताज बाप का आप दिमाग। तब खुश होगी शादमान यीशु, सुन के प्यार का फरमान मेरी जान। जब तू बख्शेगा हमको यीशु, तब तो ताज बाप का आप दिमाग। प्यारे बच्चों, उषा आंटी का आपको नमस्कार। आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसके लिए आप तैयार हो? एक राजा ने एक दिन अपने पुरोहित से अचानक पूछा, मान्यवर, कृपया बताएं कि दुनिया में हो रहे इतने पाप का असली कारण क्या है? क्यों करते हैं लोग पाप? सवाल सुनकर पुरोहित सोच में पड़ गए। बोले, राजन, इस सवाल का उत्तर देने में कुछ समय लगेगा, इसके लिए मुझे 2 दिन चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, आप 2 दिन ले लीजिए। अगर आपने इसका सही उत्तर दिया तो मैं आपको बहुत सा इनाम दूंगा। पुरोहित इनाम के लोभ में और अपनी प्रतिष्ठा की खातिर सवाल का जवाब ढूंढने में घर से निकल पड़े। उन्हें यह आशंका भी सता रही थी कि अगर वह उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो राजा की नज़र में गिर जाएंगे। पुरोहित दिन रात चलते रहे और रास्ते में मिलने वाले हर साधु मनीषी से यह सवाल पूछते रहे, लेकिन किसी का जवाब उन्हें अच्छा नहीं लगा। अंततः वह नगर की सरहद पर पहुंचे। वहां एक गडरिया अपनी भेड़े चरा रहा था। पुरोहित ने जब गडेरिये से यह सवाल पूछा तो वह हंसने लगा। वह हंसते हंसते बोला, मैं आपको इसका जवाब नहीं बता सकता, आप इस लायक है ही नहीं। यह सोचकर कि वह गडेरिया वास्तव में इस सवाल का उत्तर जानता है, पुरोहित बोले, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेहरबानी कर इसका जवाब बता दीजिए। तब गडेरिये ने कहा, उत्तर जानने के लिए क्या आप मेरा झूठा दूध पी सकते हैं? पुरोहित इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब गडेरिये ने फिर हंसते हुए कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप पद, प्रतिष्ठा और इनाम के लोभ में कुछ भी करने को तैयार हो गए। ऐसे तो आप मेरा झूठा दूध कभी नहीं पीते, लेकिन स्वार्थवश आप इसके लिए मान गए। लोभ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसी लोभ और तृष्णा के कारण दुनिया में सारे पाप होते हैं। यह लोभ ही पाप का सबसे बड़ा कारण है। तो बच्चों, कहानी कैसे लगी? नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओ, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं।
देखो बहारें आई है, आज देखो बहारें आई है, आज देखो बहारें आई है, आज देखो बहारें आई है। मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ, मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ, आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। देखो यीशु मसीह के दीवाने, देखो यीशु मसीह के दीवाने, लाए हैं हर तरह के नजराने, लाए हैं हर तरह के नजराने। हुआ पैदा मसीह चरनी में, लगे खुश हो के सबको बतलाने, लगे खुश हो के सबको बतलाने। आज सबके दिलों में रौनक है, रौनक है, रौनक है, आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। पैदा नजात देने को, हुआ पैदा नजात देने को, आया सबके गुनाह मिटाने को, आया सबके गुनाह मिटाने को। जिसका था इंतजार दुनिया को, देने आया वो प्यार दुनिया को, देने आया वो प्यार दुनिया को। आ गई ये घड़ी मुबारक, मुबारक मुबारक है, आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। देखो मरियम का वो दुलारा है, देखो मरियम का वो दुलारा है, और यूसुफ को जा से प्यारा है, और यूसुफ को जा से प्यारा है। आज यरूशलम की गलियों में देखो कितना हसी नजारा है, देखो कितना हसी नजारा है। झिलमिलाते चराग जगमग है, जगमग है, जगमग है, आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। देखो यीशु मसीह के दीवाने, देखो यीशु मसीह के दीवाने, लाए हैं हर तरह के नजराने, लाए हैं हर तरह के नजराने। हुआ पैदा मसीह चरनी में, लगे खुश हो के सबको बतलाने, लगे खुश हो के सबको बतलाने। आज सबके दिलों में रौनक है, रौनक है, रौनक है, आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ, मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ, आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। रेडियो मित्रों,
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। प्रिय मित्रों, ईश्वर की इस पृथ्वी पर एक जीवित परिश्रमी और सामर्थी मंडली उसकी स्वयं की बनाई हुई है। सच्ची मंडली का सिर प्रभु यीशु है। एक युवक अपने पिता से विवाद कर रहा था कि मंडली में मिल जाने से कोई लाभ नहीं। उसका विचार था कि कोई भी मनुष्य बिना किसी मंडली से संबंध रखे भी भला मनुष्य बना रह सकता है। परमेश्वर से डरने वाले उस विद्वान पिता ने धीरे से चिमटा उठाया और आग में से, जिसके सम्मुख वे बैठे हुए थे, एक जला हुआ कोयला निकाला। शीघ्र ही निकाले हुए कोयले का जलना बंद हो गया, उसका प्रकाश और गर्मी खत्म हो गई, वो ठंडा हो गया। इस युवक को अपने पिता की बात समझ में आ गई। आज्ञाकारी पुत्र ने पिता से क्षमा मांगी। जब मंडली या मंडली का सदस्य देह से अलग हो जाता है तो शीघ्र प्रकाश और गर्मी खो देता है। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे इस जीवनधारा रेडियो प्रसारण के द्वारा परमेश्वर के मंडली के विरुद्ध रचाए गए एक गहन षड्यंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रभु यीशु का झुंड उसकी मंडली है। उसने एक ही मंडली संगठित करने का दृढ़ निश्चय किया था, जिस पर अधोलोक की फाटक प्रबल होंगे। मनुष्य नहीं पर स्वयं प्रभु यीशु ही वो पत्थर है जिस पर उसकी मंडली खड़ी है। कोई भी दूसरा नींव नहीं डाला जा सकता है। प्रभु यीशु मंडली का सर है। प्रेतों के दिनों में केवल एक ही मंडली थी। मेरे भाइयों, आज अनेक स्वच्छ दिल के स्त्री पुरुष मसीही और गैर मसीही सच्ची मंडली के खोज में लगे हैं। वे भिन्न भिन्न मतों के समक्ष हैरानी में पड़े हैं। वे आज सैकड़ों संप्रदाय को देख पा रहे हैं जो ये विश्वास देते हुए उनसे मिल जाने के लिए बुला रहे हैं। वे उस मार्ग में हैं जो अनंत जीवन को पहुंचाता है। प्रेरित पॉल के द्वारा इस प्रकार के धार्मिक मतभेदों की भविष्यवाणी की गई थी। पहला तीमोथियस 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद में लिखा है, क्योंकि समय आएगा जब वे खरी शिक्षा को सहन नहीं करेंगे, परंतु अपने कानों की खुजलाहट के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ही अपने लिए बहुत से गुरु बटोर लेंगे। वे सत्य की ओर से अपने कानों को फेर लेंगे, कल्पित कथाओं में मन लगाएंगे। प्रभु यीशु द्वारा इसी दशा का जो वर्णन किया गया है, जो हमें मत्ती अध्याय 15:9 में मिलता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को वो सिखाते हैं। ये एक भैंसवाणी का शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ये एक सच्चाई से भाग जाने का फल है। ईश्वर के वचन पवित्र शास्त्र की शिक्षा से भटककर इसके स्थान में मनुष्य की आज्ञाओं और विधियों का पालन करने का फल है। सच्ची मंडली सच्चाई का पालन करती है। अतएव सच्ची मंडली की खोज करना सच्चाई की खोज करना है। जो लोग सच्चाई में रहना चाहेंगे वे यीशु की ये बातें सुन पाएंगे, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है। यीशु के पीछे चलने से अपना आदर्श मानते हुए उसकी आज्ञाओं के मानने का अर्थ है कि अपने आप को उसकी मंडली के अधीन रखना। चूंकि सच्ची मंडली पवित्र शास्त्र की सच्चाई से चिपके रहती है, यूहन्ना ने किस चिन्ह के द्वारा मंडली और की ओर संकेत करता है। प्रकाशित वाक अध्याय 12:1 में लिखा है, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूरज ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था। उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में हम पाते हैं कि संत पौलुस ने
परमेश्वर की मंडली को एक पवित्र कुमारी के समान कहा है। प्रकाशित वाक्य 14:4 में लिखा है कि जो अंत में उद्धार पाएंगे उसे कुमारी के समान बताया गया है। उसके विषय में वो कहता है कि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। उस स्त्री या सच्ची मंडली में क्या अनुभव मिलता था। प्रकाशित वाक्य 12:14 में लिखा कि वो स्त्री जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई थी। वहां वो 1,265 दिन तक पाली जाए। एजिकल 4:6 में लिखा है कि मैंने तेरे लिए एक एक बरस एक एक दिन के समान ठहराए हैं। इस प्रकार सच्ची मल्ली को 1260 वर्षों के लिए एकांतवास में रहना था। इतिहास हमें बताती है कि 538 ईस्वी से 1798 तक पोप की प्रधानता का समय था। सच्ची मंडली एकांतवास में कब निकली? 1798 ईस्वी के पश्चात संसार के भिन्न भिन्न मार्गों में प्रबल धार्मिक जागृतियां होने लगी। समय की प्रकाष्ठा 1844 में हुई जब एक झुंड के लोग या एक मंडली सनातन सुसमाचार की घोषणा करते हुए और प्रारंभिक मंडली की सिखाई हुई शुद्ध शिक्षाओं को मानती हुई प्रकट हुई। इस प्रकार ईश्वर की सच्ची मंडली के फिर प्रकट हुई जो 1260 वर्षों की पोप की सताहट के समय अपना परिचय खो चुकी थी। परमेश्वर के आगमन के कुछ पहले सच्ची मंडली के द्वारा कौन सा विशेष विश्वव्यापी समाचार प्रचार किया जाना है? प्रकाशित वाक्य 14:6-7 में लिखा है, मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल भाषा लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्दों से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन गाओ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। चूंकि सुसमाचार प्रचार किए जाने का काम मनुष्य को सौंपा गया है, इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ स्वर्गदूत सच्ची मंडली को ये सुसमाचार प्रचार करने को कहता है। ईश्वर के न्याय करने का समय आ पहुंचा है। मेरे रेडियो मित्रों, आप इस संदेश से सावधान हो जाए क्योंकि ये मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर के न्याय के समय आ पहुंचा है। वह हमारे घरों के दरवाजों के सामने है। क्या आप परमेश्वर के साथ जीवन बिता रहे हैं? अगर नहीं तो आज आपका समय है। अपने घुटने के बल गिरे और परमेश्वर की इसी समय परमेश्वर को इसी समय अपना जीवन दे दे। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। मेरे मित्रों, अगर आप सच्ची मंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सच्ची मंडली की जानकारी दी है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता, सुनने वाले हर एक श्रोताओं के साथ हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR Hindi Asia। कार्यक्रम सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।
देखो मरियम का वो दुलारा है, देखो मरियम का वो दुलारा है, और यूसुफ को जा से प्यारा है, और यूसुफ को जा से प्यारा है। आज ये यरूशलम की गलियों में देखो कितना हसी नजारा है, देखो कितना हसी नजारा है। झिलमिलाते चराग जगमग है, जगमग है, जगमग है। आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। देखो यीशु मसीह के दीवाने, देखो यीशु मसीह के दीवाने, लाए हैं हर तरह के नजराने, लाए हैं हर तरह के नजराने। हुआ पैदा मसीह चरनी में, लगे खुश हो के सबको बतलाने, लगे खुश हो के सबको बतलाने। आज सबके दिलों में रौनक है, रौनक है, रौनक है। आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ, मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ। देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। आज देखो बहारे आई है, उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।